I wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. ये है Realme 8i और इस वीडियो में हम इसका फुल कैमरा टेस्ट करने वाले, व्लॉगिंग, 4K, नाइट, स्लो मोशन, सब कुछ डिटेल्ड में टेस्ट होगा। 50MP का ट्रिपल कैमरा पीछे दिया है और फ्रंट में मिलता है स्टैंडर्ड 16MP का सेल्फी कैमरा। Realme 8i ऑब्वियसली एक हॉट सेलिंग डिवाइस है, बहुत ही बढ़िया तरीके से सेल वगैरह इसका हो रहा है, तो देखते हैं इसका कैमरा कंडीशन अभी अपडेट के बाद कैसा यहाँ पे आ रहा है। कोई भी कलर करेक्शन वीडियो के अंदर नहीं होगा, लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे हमने करके रखा है, तो वीडियो को देखते रहिए। अभी बैक कैमरा का सीन आप देख सकते हैं। बैक कैमरे से अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, 1x पे ही आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कोई अल्ट्रावाइड इसके अंदर सपोर्ट नहीं करता एंड थोड़ा सा कॉन्स भी है, यहाँ पे 4K भी सपोर्ट नहीं करता। मैक्सिमम फुल HD 30fps पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक ठाक लाइटिंग कंडीशन में Realme 8i के अंदर हमें कैसा क्वालिटी देखने को मिल रहा है। अभी Realme 8i के फ्रंट कैमरा आप देख सकते हैं, 16MP के सेंसर से ये रिकॉर्ड कर रहा है एंड ओवरऑल क्वालिटी आप देख लो कि कैसा हमें देखने को मिल रहा है। दो रेजोल्यूशन पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, फुल HD एंड 720p। अभी हम फुल HD 30fps पे शूट कर रहे हैं जो इसका मैक्सिमम FPS है एंड अच्छा सा लाइटिंग कंडीशन के अंदर कैसा शार्पनेस मिल रहा है एंड पीछे वाइडनेस भी आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया एरिया आप कैप्चर कर सकते हैं, बिल्कुल वो सेंसर को क्रॉप नहीं कर देता। एंड ऑब्वियसली फ्रंट कैमरा के अंदर स्टेबलाइजेशन भी दिया गया है, तो स्टेबलाइजेशन ऑन करके आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट पे अगर आप रिकॉर्ड करते हैं तो कुछ ऐसा में क्वालिटी देखने को मिलता है। अभी मैं पूरी तरीके से सन को फेस कर रहा हूं एंड डायनामिक रेंज अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां पे एक्सपोजर शिफ्ट कैसे काम कर रहा है एंड ट्रांजिशन भी आप देख सकते हैं, लाइट से डार्क एरिया पे आने पे कैसा ट्रांजिशन यहां पे मेंटेन कर रहा है। अब भाई फ्रंट कैमरे से खींचा कुछ फोटो सैंपल आप देख लो। अभी इसके अंदर जूम टेस्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ Realme 8i के अंदर कितना यहाँ पे जूम होता है। तो यहाँ पे बटन दिया है जहाँ पे मैक्सिमम आप जो जूम कर सकते हैं 10x तक, तो 10x जूम करने के बाद ऑटो फोकस स्लाइटली यहाँ पे मिस होता है एंड इसके साथ शार्पनेस भी उतना क्लियर नहीं आ रहा है, बट एस्टेब्लिशन को बहुत ही अच्छी तरीके से ये मेंटेन किया एंड 10x जूम करने के बाद क्वालिटी एक स्टैंडर्ड यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। और भाई लगे हाथ इसका साउंड क्वालिटी भी आप देख लो। ऐसे अगर आप व्लॉगिंग करते हैं, आपके पास अगर कोई एक्सटर्नल माइक ना हो तो मैं इसको टच करके भी दिखा देती हूँ, तो ये जो साउंड यहाँ पे आप सुन सकते हैं ये फोन के इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, तो समझ लो इसके जो माइक यहाँ पे दिया है उससे कैसा साउंड क्वालिटी रिकॉर्ड करता है। अब इसका एस्टेब्लिशन क्वालिटी कैसा है, इसके अंदर हमने फ्रंट कैमरे पे एस्टेब्लिशन अभी ऑन कर दिया है और इस कंडीशन पे अगर आप वॉक करते हैं तो भाई देख लो कि एस्टेब्लिशन ये पे कैसे काम करता है एंड इसको अगर आप ऑन करते हैं तो क्रॉपनेस स्लाइटली में देखने को मिलता है, उतना बढ़िया वाइड एंगल फ्रेम देखने को नहीं मिलता एंड थोड़ा सा जार्क करके भी मैं आपको दिखाई देती हूँ, थोड़ा सा जार्किंग भी आ जाए तो स्टेबल कैसा ये पे रहता है, सिनेमेटिक फ्रेम आप रिकॉर्ड कर सकते कि नहीं। स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी तरीके से ये रिकॉर्ड कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही बढ़िया हमें स्टेबिलिटी देखने को मिल रहा है, सिनेमेटिक फ्रेम आप आराम से रिकॉर्ड कर सकते, बहुत ही वाइब्रेशन एरिया पे बहुत ही अच्छा सा स्टेबिलिटी यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। अब बैक कैमरा का भी क्वालिटी आप देख लो, स्टेबिलाइजेशन हमने ऑन कर दिया, फुल HD 30fps पे ये रिकॉर्ड हो रहा है एंड स्टेबिलाइजेशन ऑन करने के बाद वाइब्रेशन बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो गया है, उतना मैक्स अल्ट्रा लेवल वाइब्रेशन रिड्यूस नहीं हुआ है, बट जो मेजर वाइब्रेशन वो अच्छी तरीके से यहाँ पे रिड्यूस करके एक बेटर स्मूथ वीडियो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अभी Realme 8i के फुल इंटरफेस आप देख सकते हैं कैसा हमें देखने को मिल रहा है। फर्स्ट दिया फ्लैश आइकॉन, नेक्स्ट HDR एंड फिल्टर्स देख लेते हैं, कितने सारे फिल्टर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, एक एक करके सारे फिल्टर्स को आप यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया कूल इफेक्ट कुछ फिल्टर्स के अंदर दे रहा है एंड ऑब्वियसली एक सॉफ्ट टोन इफेक्ट हमें हर एक फिल्टर्स के अंदर देखने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छा खासा फिल्टर्स इसके अंदर इंप्लीमेंट किया गया है। नेक्स्ट ये दो डॉट्स पे अगर आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आप रेशियो सिलेक्ट कर सकते हैं एंड सेटिंग्स के अंदर चलते हैं, तो ये है इसका पूरा सेटिंग्स मेनू जहाँ पे वाटरमार्क, लोकेशन, कंपोजिशन, एडवांस सेटिंग्स, इसका फुल सेटिंग्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ये पे पोर्ट्रेट के अंदर आते हैं, तो पोर्ट्रेट मोड के अंदर कितने सारे ऑप्शन यहाँ पे दिया है पोर्ट्रेट
का इंटेंसिटी यहाँ पे 60% पे, इसको आप इंक्रीज डिक्रीज यही से ही कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्यूटिफिकेशन की बात करूँ तो ये अप्लाई किया हुआ है तो इसको नेचुरल कर देते हैं, तो नॉर्मल ब्यूटिफिकेशन कुछ इस तरीका मिलता है, इसको आप 30-40% के आसपास अप्लाई करते तो इतने सारे ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। उतना एडवांस लेवल तो नहीं दिया गया है बट बहुत ही बढ़िया ब्यूटिफिकेशन फिल्टर आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसका बैक कैमरा का इंटरफेस आप देख लो कैसा हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे आप जूम कर सकते हो, 1x 2x शॉर्टकट दिया है, AI का बटन यहाँ पे मिलता है, एक्स्ट्रा एनहांसमेंट मिलता है जो ग्रीन कलर के अंदर एक्स्ट्रा एनहांसमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई यहाँ पे अगर आप अल्ट्रा वाइड को ऑन करना चाहते तो अल्ट्रा वाइड का कोई भी फीचर इसके अंदर नहीं दिया है, अल्ट्रा वाइड का कोई भी लेंस इसके अंदर नहीं दिया है, तो अल्ट्रा वाइड यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता। उसके बाद 50 MP अगर आप क्लिक करना चाहते तो 50 MP का एक अलग से बटन दिया है। वीडियो सेटिंग्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है इसका पूरा वीडियो सेटिंग्स, जहाँ पे मैक्सिमम आप रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर सकते हैं, फुल HD 4K यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता, फिल्टर्स आप ऐसे ही सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साइड में स्टेबलेशन का भी बटन दिया है, तो स्टेबलेशन ऑन एंड ऑफ करने पर थोड़ा सा क्रॉप हो जाता है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी इसके प्रो मोड में आपको दिखाता हूँ कितना सारा फीचर्स हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप रॉ मोड पे शूट कर सकते हैं, रॉ पे शूट यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी ISO, शटर स्पीड, वाइट बैलेंस, ऑटो फोकस सभी स्टैंडर्ड ऑप्शन यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब इसके मूवी मोड देख लेते हैं, तो मूवी मोड से प्रो मोड पे अगर आप वीडियो शूट करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रिड लाइन को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, स्टेबलेशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, एंड साइड में यहाँ पे ऑटो फोकस, वाइट बैलेंस, शटर स्पीड कंट्रोल का बटन दिया है। एंड सबसे लास्ट मोड के अंदर मिलता है टाइम लैप्स, पैनो, स्लोमो, एक्सपर्ट, अल्ट्रा मैक्रो, डुअल वीडियो मूवी एंड टेक्स्ट स्कैनर। अब भाई और एक इम्पोर्टेंट बात, AI ब्यूटिफिकेशन की बात करूँ तो वीडियो के अंदर आप इसको ऑन कर सकते हैं, और मैक्सिमम हेडसेट के अंदर AI ब्यूटिफिकेशन को अगर आप ऑन करते हैं तो 720p रिकॉर्ड होता है, उससे ज़्यादा रेजोल्यूशन पे आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बट इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, फुल HD पे AI ब्यूटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। तो अभी हमने 70-80% के आसपास AI ब्यूटिफिकेशन को ऑन करके दिया है, तो फेस का स्मूथनेस स्लाइटली आपको हाई देखने को मिलेगा। तो ऐसे वीडियो के अंदर अगर आप फेस को और भी ज़्यादा स्मूथ बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर पॉसिबल है, Realme 8i के अंदर फुल HD पे ये रिकॉर्ड हो रहा है, और उसके साथ फेस का स्किन भी बहुत ही अच्छे तरीके से स्मूथ ये कर रहा है। तो भाई आज क्या गाने वाले हो? आज कुमार सानू जी का चांद से पर्दा कीजिए। चलो लगा लो। चांद से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा ना ले चेहरे कानून, हे मेरे हमनवा, वाह मेरे हुजूर। बस बस बस, बहुत बढ़िया, कॉपीराइट मिलने वाला है। बहुत ही बढ़िया भाई, अच्छा लगा तो लाइक कर दो भाई, और नीचे एक बार कमेंट करके बता दो अगर कोई और गाना अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो, नीचे एक बार कमेंट करके बता दो भाई, जरूर बता दो।